आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब इतना ही है। आप सभी जानते हैं पिछले 48 दिन की स्ट्राइक के बाद 11 नवंबर को हमारी एलजी हाउस में हमारी एक मीटिंग जो है एलजी साहब के साथ हुई थी, जिसमें स्टेट प्रेसिडेंट बीजेपी रविंदर रैना जी और मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा जी भी मौजूद थे। हमारे साथ एलजी साहब की तरफ से हमें एक आश्वासन दिया गया था कि जो डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं इनके बाद आपका रेगुलराइजेशन प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा और एक दो दिन के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी जो आपसे बात करके जो डिपार्टमेंट के अंदर जो इशू हैं उन इश्यूज को सॉल्व करेगी। लेकिन आज तक हमें पता नहीं चला कि वो कमेटी फ्रेम हुई भी है कि नहीं, क्योंकि आज तक किसी भी कमेटी ने हमारे साथ जो है वो बात नहीं की है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से हम ये एलजी साहब तक ये अपील पहुंचाना चाहते हैं कि जो वादा आपने पूरा किया था, अब इलेक्शन खत्म हो चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है, अब उस वादे के ऊपर काम किया जाए और आने वाली 15 जनवरी से पहले पहले हमारी रेगुलराइजेशन प्रोसेस के लिए कोई ना कोई ठोस पॉलिसी जो है वो सामने आए। अगर 15 जनवरी तक हमारे साथ जिस तरीके से पिछली सरकारों ने धोखा किया है, अगर एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ इसी तरह का बर्ताव करती है और हम ये वादे से मुकरती है तो 15 तारीख को हम प्रेस क्लब से दोबारा जो है अपनी एजिटेशन को शुरू करने जा रहे हैं। हम आज भी नहीं चाहते कि हम एजिटेशन पे जाएं, हम फिर भी आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द 15 जनवरी से पहले कोई ना कोई ठोस पॉलिसी जो है रेगुलराइजेशन के लिए सामने लाए, नहीं तो आने वाले दिनों में जो एजिटेशन शुरू होती है तो उसके लिए सीधी सीधी एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार होगी।